दीक्षा जी, ये बड़ी गंभीर बात है कि हम सब लोग जो इस हाउस के मेंबर्स हैं, हम सब लोगों को चुन के ही इसलिए भेजा गया है कि इस हाउस के अंदर जब कोई डिस्कशन हो हम उस पर पार्टिसिपेट करें। मगर कल से जो एलजी साहब ने चिट्ठियां लिखी, एलजी साहब ने चिट्ठी लिखी माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्हें पता है मुख्यमंत्री जी क्वेश्चनिंग के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर में है, मुख्यमंत्री जी तक तो चिट्ठी पहुंचेगी नहीं। उन्होंने ये चिट्ठी मीडिया को दे दी और मीडिया के अंदर इस खबर को प्लांट करने की कोशिश की कि ये जो हाउस है इसकी जो मीटिंग बुलाई गई है ये गलत तरीके से बुलाई गई है, जो कि मुझे लगता है कि एक गंभीर विषय है। एलजी साहब के दफ्तर से इस तरीके की चिट्ठी का लीक हो जाना बहुत गंभीर विषय है। किसने वो चिट्ठी लीक की और लिखा हुआ है? अच्छा मंत्री जी, क्योंकि अब देखिए क्यों, क्योंकि हमने ही नहीं पढ़ी वो चिट्ठी, इसलिए हमें नहीं पता कि उसके ऊपर सीक्रेट भी लिखा है। जो खबर फिर एलजी के दफ्तर से प्लांट की गई उसके अंदर वो चिट्ठी जो है वो दे दी गई, उसके जो है कंटेंट्स दे दिए गए, और मंत्री जो है लेजिस्लेटिव अफेयर्स के कैलाश जी वो बता रहे हैं कि उस चिट्ठी के ऊपर लिखा हुआ सीक्रेट। अब आप ये बताइए कि क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि एलजी साहब ने जो चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी और उस पर लिखा सीक्रेट, मुख्यमंत्री के पास तो पहुंची नहीं होगी क्योंकि वो तो मुख्यालय में थे, ना उनकी सीक्रेट चिट्ठी कोई मुख्यमंत्री के दफ्तर में खोल सकता है, तो चिट्ठी किसने खोली इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो सीधा सीधा जो है विशेषाधिकार हनन का मामला है। वो चिट्ठी आपको एनलोज की गई थी, वो चिट्ठी कैसे लीक हो गई, हमारे भाजपा के मित्रों को वो चिट्ठी और उसके कंटेंट्स कहां से पता चल गए, वो चिट्ठी अखबारों को कैसे पहुंच गई और क्या उसके अंदर क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया कि ये जो हाउस है अध्यक्ष महोदय, आप ही इस हाउस को नहीं बुला सकती। मतलब कितनी अजीब बात है, आप इस हाउस की गार्जियन है, आप नहीं है तो अध्यक्ष जी इसके गार्जियन है। और जिस रूल बुक की बात कर रहे हैं, रूल पोजिशन की बात कर रहे हैं, वो तो स्पष्ट है, उसके अंदर रूल 17 है, एडजमेंट ऑफ द हाउस एंड द प्रोसीजर ऑफ रिकन्वीनिंग, द स्पीकर शेल डिटरमाइन द टाइम व्हेन द सिटिंग ऑफ द हाउस शेल बी एडजर्न्ड सिनेडाई और टू अ पर्टिकुलर डे और टू एन आर और पार्ट ऑफ द सेम डे प्रोवाइडेड दैट द स्पीकर मे इफ ही थिंक्स फिट कॉल अ मीटिंग ऑफ द हाउस बिफोर द डेट और टाइम टू विच इट हैज बीन एडजर्न्ड और एट एनी टाइम आफ्टर द हाउस हैड बीन एडजर्न्ड सिनेडाई। दूसरा लिखता है, इन केस द हाउस आफ्टर बीन एडजर्न्ड इज रिकन्वीन्ड अंडर द प्रोविजो of sub-rule 1, the secretary shall communicate each member the date, time, place, duration of the next part of the session. अध्यक्षा महोदया, आपको सारे के सारे हक अधिकार दिए गए कि आप जब चाहें adjourn कर दें, जब तक चाहें तब तक adjourn कर दें, या अनिश्चित काल के लिए सिनेडाई के लिए adjourn कर दें, और आपको अगर लगे तो आपने जब तक अध्ययन किया उससे पहले भी बुला ले, जब आपका मन करे बुला ले। इसमें तो सरकार के विषय में भी नहीं लिखा हुआ कि सरकार कहेगी तो आप बुलाएं, मगर एक संवैधानिक परंपरा है कि सरकार रिकमेंड करती है, उसके रिकमेंडेशन पे स्पीकर जो है वो ये हाउस बुला लेते हैं। अब एलजी साहब ने इसके अंदर कॉन्ट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की इसको समझिए। एलजी साहब को समस्या ये है कि उनके बिना कहे ये हाउस कैसे कन्वीन हो गया।